भारत के कई प्राचीन वैज्ञानिक और विद्वान थे जिन्होंने अपने समय में न केवल महत्वपूर्ण योगदान दिए बल्कि अभूतपूर्व उपलब्धियों को भी प्राप्त किया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य तो देखिए कि ऐसे प्रख्यात व्यक्तित्व आज इतिहास के पन्नों में लुप्त होकर रह गए हैं। परंतु आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों और विद्वानों के बारे में जानेंगे जिनके कार्य आज भी आधुनिक विश्व को प्रेरणा देते हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए और बताइए कि क्या आप इसे पहचानते हैं? नहीं? तो चलिए आपको बताते हैं कि ये तस्वीर भारत की नहीं अपितु RACS मेलबर्न की है, जहां इस प्रतिमा के माध्यम से सुश्रुत को सम्मानित किया गया है। सुश्रुत एक प्राचीन भारतीय चिकित्सक और सर्जन थे जो चिकित्सा के क्षेत्र में अपने अग्रणीय कार्य के लिए जाने जाते थे। उन्होंने चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक व्यापक ग्रंथ सुश्रुत संहिता लिखी। प्लास्टिक सर्जरी सहित सर्जिकल तकनीकों में सुश्रुत की विशेषज्ञता को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। चिकित्सा के क्षेत्र में अपने अभूतपूर्व कार्य के लिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी की उपाधि भी दी गई है। आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे जिन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स तैयार किए जिनका उपयोग आज भी किया जाता है, जिसमें शून्य यानी जीरो की अवधारणा, डेसिमल सिस्टम एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन शामिल है। आर्यभट्ट के कार्य ने एडवांस एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस की नींव रखी और भविष्य की वैज्ञानिक खोजों का मार्ग प्रशस्त किया। वारामिहिर एक खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। उन्होंने बृहत संहिता सहित कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे जिनमें खगोल विज्ञान, ज्योतिष, गणित, वास्तुकला समेत अनेक विषयों की एक डिटेल्ड श्रृंखला शामिल थी। खगोलीय घटनाओं को समझने में वारामिहिर के योगदान और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में उनकी प्रगति का उनके समय के वैज्ञानिक समुदाय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। भास्कर द्वितीय, जिन्हें भास्कराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, एक असाधारण गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। लीलावती और बीजागणित जैसे उनके कार्यों ने एलजेब्रा, अर्थमेटिक एंड ट्रिग्नोमेट्री के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शून्य और डेसिमल सिस्टम की अवधारणा सहित भास्कर द्वितीय की मैथमेटिकल टेक्निक्स उनके समय के लिए अत्यधिक उन्नत थी। आचार्य पिंगला एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे जो कॉम्बिनेटोरिक्स और पोएट्री वर्सेस के अध्ययन पर अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बाइनरी नंबर्स और फिबोनाची सीक्वेंस की अवधारणाओं को तैयार किया जो कंप्यूटर विज्ञान और गणित में मौलिक बन गए हैं। गणित के क्षेत्र में पिंगला का योगदान उल्लेखनीय था और इसके दूरगामी प्रभाव थे। संगम ग्राम के माधव एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे जिन्होंने कैलकुलस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। उन्होंने इनफाइनाइट सीरीज की गणना के लिए तकनीक विकसित की और साइन एंड कोसाइन सहित ट्रिग्नोमेट्रिक्स कार्यों के लिए पावर चेन एक्सटेंशन की खोज की। माधव के कार्य ने यूरोपियन गणितज्ञों द्वारा कैलकुलस में बाद के विकास की नींव रखी। चरक एक प्राचीन चिकित्सक और चरक संहिता के लेखक थे जो भारत में चिकित्सा की परंपरा प्रणाली आयुर्वेद पर एक प्रभावशाली ग्रंथ है। उनके काम ने शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल के लिए होलिस्टिक व्यू पर जोर दिया। चरक का चिकित्सा में योगदान विशेष रूप से जड़ी बूटी ही उपचार और निदान के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। कनाद, जिन्हें कश्यप, उलुका, तनभक्ष, तनुभुज के रूप में भी जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय प्राकृतिक वैज्ञानिक, आध्यात्मिक विद्वान और दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर थे। उन्होंने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर तैयार किया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि मैटर इनडिविजिबल पार्टिकल से बना है जिन्हें अणु या मॉलिक्यूल कहा जाता है। कनाद की एटॉमिक थ्योरी, जिसे वैशेषिक दर्शन के नाम से जाना जाता है, सदियों से पश्चिमी वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत समान विचारों से पहले का है। इनफैक्ट सर आइज़ैक न्यूटन से बहुत पहले उन्होंने अपने वैशेषिक दर्शन में गति के प्रकारों और नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। भारत
भारत के इन रिलेटिवली अननोन प्राचीन वैज्ञानिकों और विद्वानों ने अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया, लेकिन अक्सर उन्हें अपने कुछ समकालीनों के समान मान्यता नहीं मिली। उनके विचारों और खोजों ने ज्ञान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भविष्य के वैज्ञानिक और बौद्धिक विकास की नींव रखी। Nevertheless, ऐसे ही रोचक वीडियोस को देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे अरुंधति वशिष्ठ वीडियो लिंक पर क्लिक करना ना भूलें। जय हिंद।